हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर में। लास्ट क्लास में हमने पोइट्री पढ़ी थी, आज हम उसी पोइट्री के इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें बेटा हम आज फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ेंगे। और मैंने उस दिन आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में बताया था कि सोनेट, एलेजी है ना, और भी कुछ टाइप बताए थे, वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री थी। और लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि पोइट्री होती क्या है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, है ना, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है इसे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर आपको एयरफोर्स, SSC, बैंक, NDA, CDS, 10th, 12th, BA, MA सभी की पढ़ाई होगी। तो फिर जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन अगर इस क्लास में पढ़ता है तो जल्दी उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले आज हम एक मोटिवेशनल थॉट से शुरुआत करेंगे। ये मोटिवेशनल थॉट मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, मुझे नहीं पता किसका है, बट ये मैंने पढ़ा हुआ था। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। चलिए, है ना, तो आप भी अपने पिंजरे से बाहर निकल के देखिए, आप भी सिकंदर हैं। और पढ़िए और आगे भी देखते हैं जो भी चीज़ें हैं, हमें तो पढ़ना है फिलहाल। चलिए हम शुरू करते हैं सोनेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बीए फर्स्ट ईयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सोनेट। क्या है बेटा? वो है सोनेट। ठीक, तो आज सोनेट से शुरू कर रहे हैं, बाकी जो एलिजी वगैरह हैं वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी लिरिक्स वगैरह। आज हम सोनेट से शुरुआत कर रहे हैं, सोनेट का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद एक सोनेट का लेक्चर और आएगा, लेक्चर 2। तो पोइट्री की पूरी सीरीज आएगी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के नाम से, जैसे अभी आपने पोइट्री देख ली क्या होती है, अब उसके बाद जो सीरीज आ रही है उसमें आ रही है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। जैसे आज हमने सोनेट शुरू किया है ना, सोनेट आज पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, ये 2 क्लासेस में खत्म होगा, आगे 1 क्लास और आएगी, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो आज जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ सोनेट, सोनेट क्या है। तो बेटा सोनेट्स की मैंने दो डेफिनेशन लिखी हुई है, एक मेरी अपनी है और एक दूसरी बुक्स की है। तो मैं आज केवल अपनी वाली के बारे में बात करूँगा, दूसरी वाली आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये वाली है वैसे ही सेम दूसरी वाली भी है, बस थोड़े वर्ड्स डिफरेंट हैं, तो आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं। इट वॉज ओरिजिनली अ शॉर्ट शॉर्ट पोएम। सोनेट क्या बेटा? एक शॉर्ट पोएम है, रिसाइटेड टू द एकॉम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक। इसमें क्या है बेटा? म्यूजिक भी है। इट हैज़ 14 लाइन्स, और ये कितनी लाइन की होती है बेटा? 40 लाइन्स की। तो 14 लाइन की शॉर्ट पोइम को हम क्या बोलते हैं बेटा? सोनेट। 14 लाइन्स की शॉर्ट पोइम को हम क्या बोलते हैं बेटा? सोनेट। द वर्ड सोनेट इज बीइंग डेरिवेटिव, द वर्ड सोनेट इज बीइंग डेरिवेटिव ऑफ द इटालियन वर्ड सोनेटो। तो जो सोनेट है वो कहाँ से आया है बेटा? सोनेटो से। वर्ड कौन सा है? इटालियन वर्ड है। इसका मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन अ लिटिल साउंड और स्ट्रेन, एक छोटा साउंड और स्टेन, स्टेन को आप सॉन्ग भी बोल सकते हैं। आगे नीचे लिखाया गया है इस बारे में, इट इज़ फर्स्ट मेट विद इन इटली इन द लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के मध्य के बाद ये इटली में पाया गया। इटली में इसका काम, इस पर लिखना लोगों ने शुरू किया, पैटागन, पैटाग ने, डांटे ने, और भी लोगों ने लिखे थे, तो उससे फेमस नहीं हुए, लेकिन जब पैटाग वगैरह लिखे तो फेमस हुए। आगे हम आपके इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो ये डेफिनेशन है द ये वाली द सोनेट इज़ अ पॉपुलर क्लासिकल फॉर्म, ये वाली आप देख लेना बेटा, ये बुक्स बुक की है, अगर आपको ये अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ वर्ड अच्छे अच्छे हैं, डिफिकल्ट से वर्ड हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन मुझे तो आपको समझाना था उस पर्पज़ से, जो ऊपर वाली है बहुत ही अच्छी है आपके लिए, अगर आपको किसी को समझाना है तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़े पोइटिकल वर्ड्स हैं जो हो सकता है आपको समझ में ना आए, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट, सोनेट्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट्स, फर्स्ट इटालियन सोनेट एंड द सेकेंड वन इंग्लिश सोनेट। मैंने लिखा हुआ है द पैटार्कन और द शेक्सपियन, इसकी कहानी आपको भी मालूम पड़ेगी, वीडियो देखते रहिएगा। इटालियन सोनेट क्या होते हैं? फ्रॉम इट्स ब्रिलियंट यूज बाई पैटार्क, पैटार्क के द्वारा जो ब्रिलियंट यूज़ किया गया है, द इटालियन सोनेट इज ऑफन नोन एज द पैटार्कन सोनेट। बेटा इन्हीं को, इटालियन सोनेट को ही पैटार्कन सोनेट बोलते हैं, क्योंकि जो इटली में जो पैटार्क ने सोनेट्स लिखे थे, उस पैटार्क से पहले भी काफ़ी लोगों ने सोनेट लिखे, बट जो सोनेट शुरुआत हुई वो लोगों
को जो मालूम पड़ा कि सोनेट भी कुछ होता है, जो फेमस हुए सोनेट वो पैटाक के टाइम में हुए। किसके टाइम में हुए बेटा? पैटाक के टाइम में। वैसे लोगों ने लिखे थे इटालियन सोनेट, बट जो फेमस हुए पैटाक की वजह से हुए, इसलिए इनको पैटाकन सोनेट भी कहा जाता है। वट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द क्लासिकल, और कभी कभी इसे क्या बोला जाता है बेटा? क्लासिकल सोनेट। इटालियन सोनेट इज रिटन बाई पैटार्क एंड डांटे। किस किसने लिखे हैं? पैटार्क एंड डांटे। इस चीज़ को याद रखना। पैटार्क डेडिकेटेड हिज सोनेट्स टू हिज विलव्ड लॉरा। पैटार्क ने किसको डेडिकेट किए हैं? ये हिज अपनी विलव्ड लॉरा को। एंड डांटे डेडिकेटेड हिज सोनेट्स टू हिज विलव्ड विट्राइस। उन्होंने किसको किए बेटा? विट्राइस को। ठीक, इतनी बात क्लियर आ रही है कि पैटार्क ने लिखे हैं, डांटे ने भी लिखे थे, लेकिन पैटार्क के फेमस हो गए थे तो पैटार्कन सोनेट्स बोला जाता है इन्हें, इटालियन सोनेट को। ठीक, और पैटार्क ने अपने जो सोनेट्स हैं वो अपने विलव्ड, विलव्ड मतलब अपने प्यार यानी गर्लफ्रेंड बोल सकते हो आप, उनको डेडिकेट किए हैं, जिसका नाम है लॉरा। और डांटे ने भी अपने सोनेट्स को अपनी गर्लफ्रेंड विट्राइस की को डेडिकेट किए हैं। ठीक है, मोस्टली जो पोइट्स हुए हैं वो जब भी कोई चीज़ लिखते थे तो अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करते थे, मोस्टली मतलब अपने प्यार को, विलव्ड को। ठीक, जिससे भी प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है वो गर्लफ्रेंड ही हो, जिससे वो प्यार करते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आप उसको डेडिकेट कर सकते हैं, जैसे शेक्सपियर ने किए थे। जब हम इंग्लिश सोनेट पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इंग्लिश सोनेट शेक्सपियर ने किस किस को डेडिकेटेड किए हैं, है ना, किस किस को डेडिकेटेड किए हैं। तब तक के लिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन्स। जो ये पोएम सोनेट्स होते हैं 40 लाइन्स के होते हैं, इटालियन सोनेट भी और इंग्लिश सोनेट भी। एक्सप्रेसिंग वन सिंगल थाट्स एंड फीलिंग, एक सिंगल थाट को ये एक्सप्रेस करते हैं, एक सिंगल थाट। ठीक, चेंज नहीं करते थाट्स इसमें। इट इज़ कंपोज ऑफ टू पार्ट्स, द ऑक्टिव एंड द सेस्टेट। क्या बोलते हैं? सेस्टेट, ध्यान रखना वर्ड, ध्यान रखना सेस्टेट। ठीक, चलिए। इट इज़ कंपोज ऑफ टू पार्ट्स, ऑक्टिव एंड सेस्टेट, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। द ऑक्टिव क्या होता है, ये बात समझते हैं। तो ऑक्टिव, ऑक्टिव स्टेंजा ऑफ 8 लाइन, 8 लाइन का एक स्टेंजा होता है। एंड इट हैज़ टू राइम्स सेज ए बी। इसमें दो राइम्स होते हैं, अरेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। किस स्कीम से? ए बी बी ए, ए बी बी ए। राइमिंग स्कीम क्या होती है? जैसे कि बेटा राइम्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कैट बैट, कैट बैट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक, तो ऐसे ही राइमिंग स्कीम होती है सोनेट में। इटालियन सोनेट में जो राइमिंग स्कीम है वो ऑक्टेव में होती है, ए बी बी ए, ए बी बी ए। ठीक, चलिए, ये लिखी हुई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, एक पूरा सोनेट लेके, जब पूरा हम सोनेट के बारे में पढ़ लेंगे तब। दिस इज़ टू से दैट द फर्स्ट लाइन राइमिंग विद द फोर्थ लाइन। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ए ए, तो ए फर्स्ट लाइन में है, ए फोर्थ में। इट मीन्स जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड होगा वो फोर्थ लाइन से मैच करेगा, और जो सेकेंड लाइन का होगा वो थर्ड लाइन से। इसी प्रकार जो फिफ्थ लाइन का होगा वो एट्थ लाइन से, और जो सिक्स लाइन का होगा वो सेवन्थ लाइन से। इतनी बस क्लियर हो रही है? ठीक है, एग्जाम्पल में समझेंगे अभी, करते हैं आगे, बात करते हैं सेस्टेट क्या होता है। तो अ स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, एक स्टेंजा 6 लाइन का। एंड इट हैज़ समटाइम्स 3 एंड समटाइम्स 2 राइम्स। इसमें क्या, कभी कभी 2 राइम्स होती हैं, कभी कभी 3 होती हैं। तो अरेंज इन वेरियस वेज एज फॉलो सी डी ई सी डी ई। ये जनरली तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो यही होती है, सी डी ई सी डी ई। लेकिन कभी कभार ये राइमिंग स्कीम चेंज भी हो जाती है, वो नीचे बता दूंगा किस किस स्टेप से। दिस इज़ टू शे, इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट, जो आपकी 9th लाइन है, यानी कि सेस्टेट की फर्स्ट लाइन है, उसका 4th लाइन से, 2nd लाइन है उसका 5th से, 3rd का 6th से। फर्स्ट का 4th, 2nd का 5th, 3rd का 6th। इतने समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल है, सी डी ई सी डी ई याद कर सकते हो आराम से। ऊपर भी ए बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, अब्बा अब्बा बोल सकते हो आप, अगर आपको जल्दी याद ना हो रही हो, जल्दी आप ऐसे बोल सकते हो। और जो राइमिंग स्कीम होती है वो सी डी सी डी सी डी सी डी ई डी सी ई, इस टाइप से भी होती है। तो अगर आप इस टाइप से देखना चाहें तो ये भी है ना, इस टाइप से देखना चाहें तो ये भी। जनरली ऐसा कम होता है, लेकिन
बता दिया आपको कि ऐसी राइमिंग स्कीम भी होती है, अगर आपको कहीं बाई चांस मिल जाए तो घबराइएगा मत, ये सोनेट ही होगा। ठीक, जलेडी चीज़ को बताता नहीं है, AVVA CDE CDE, ये वाला AVVA AVVA CDE CDE, ये सारे बता देते हैं, लेकिन कोई नहीं पता कि CDC और DCD ये भी हो सकती है, और CDE 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 और DCE भी हो सकती है ना। तो ये चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से मेरे चैनल पर, जो मुझे लगता है कि कहीं मैंने तो नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ी हो तो कमेंट करके बताइएगा कहाँ पढ़ी है आपने। ठीक है, चलिए। द ऑक्टेव मे बी डिवाइडेड इंटू स्टेंजास, द ऑक्टेव मे बी डिवाइडेड इंटू टू स्टेंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच कॉल्ड क्वाट्रेंस। ऑक्टेव को भी दो स्टेंजा में बांटा गया है, फोर फोर लाइन्स में, कैसे फोर फोर लाइन्स में, ये स्टेंजा है, ऑक्टेव है, ये 8 लाइन का ऑक्टेव है, ऑक्टेव। तो इसको भी उन्होंने दो पार्ट्स में बांट दिया, ये फर्स्ट क्वाट्रेंस, ये सेकेंड, इसमें 4 लाइन होंगी, इसमें भी 4 लाइन होंगी। ठीक, समझ में आ रहा है इतनी बात को। चलिए, ऐसे ही जो सेस्टेट होता है जिसमें 6 लाइन्स होती हैं, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया तीन तीन लाइन में, टर्सेट बोलते थे जिन्हें, क्या बोलते थे, टर्सेट्स। ठीक, टर्सेट्स, इतनी बात क्लियर, ये तीन तीन लाइन का होता था टर्सेट, 4 लाइन क्वाड्रेंट, 3 लाइन टर्सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो ही समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ख़त्म हो गया यहाँ तक। तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है हमने इसमें, कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, 40 लाइन्स होती हैं, ठीक, एक ऑक्टिव, एक सेस्टेट होता है, ऑक्टिव जिसमें 8 लाइन होती हैं, सेस्टेट जिसमें 6 लाइन होती हैं, ऑक्टिव को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो क्वार्टेन में, है ना, दोनों में कितनी होती हैं, फोर फोर लाइन्स होती हैं, ऐसे ही सेस्टेट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसमें थ्री थ्री लाइन्स होती हैं। ठीक, राइमिंग स्कीम हमने देखी कि AVVA AVVA CDE CDE, या फिर CDC DCD, या फिर DCE DCE, या फिर CDE DCE। ठीक, इतनी बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, देखो हमें राइमिंग स्कीम देखनी है, 40 लाइन्स आप काउंट कर सकते हैं, 40 लाइन्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 40 लाइन्स काउंट कर लें। अब राइमिंग स्कीम देखते हैं, AVBA यानी कि फर्स्ट का फोर्थ, स्पेंट बेंट सेम है, BV हाइड वाइड। ठीक है, चलिए यहाँ मैच कर रही राइमिंग स्कीम, ऐसे ही फिर क्या है, AVBA प्रेजेंट, 4 लाइन के बाद देखना, ये नहीं कि ये बेंट का हो तो इसमें आई है ना, अब 4 लाइन का पूरा हो गया, फिर 4 लाइन उठा लो, प्रेजेंट प्रिवेंट सेम, चैट डिनाइड सेम। ठीक, अब क्या हमारी CDE CDE, तीन तीन का पेयर बनाओ, पेयर तो नहीं बोल सकते तीन तीन को, लेकिन तीन तीन का ग्रुप बना के देखते हैं, टर सेट में देखते हैं आप, नीड का CDE, अब फिर CDE, तो नीड का स्पीड है ना, बेस्ट का रेस्ट, स्टेट का वेट है ना, स्टेट वेट सेम हो रहा है ना। तो राइमिंग स्कीम समझ में आ रही, इस टाइप से राइमिंग स्कीम होगी, 40 लाइन्स का होगा, चार चार में क्वाड्रेंट, तीन तीन के टर्सेट, और 8 का ऑक्टेव, और 6 का सेस्टेट, 6 का सेस्टेट। अगर आपको ये पोइट्री पढ़नी हो तो पोइट्री के यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अभी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। जी, मैंने एग्जांपल लिया है ऑनेस्ट ब्लाइंड लैंड से है, जॉन मिल्टन का, काफ़ी अच्छी पोइट्री थी, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं इसकी वीडियो बना सकता हूँ समरी पे, बहुत अच्छी पोइट्री है, आप पढ़ना। जैसे आपके BA फर्स्ट ईयर में बहुत सारी पोइट्री मिलेंगी आपको जो बहुत अच्छी हैं, ट्रू लव, अब्सेंस इन प्रेजेंस, बहुत सारी BA में ऐसी पोइट्री मिलेंगी आपको जो बहुत अच्छी हैं, मतलब आप जिनको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अगर आप रोमांटिक पोइट्री पढ़ना पसंद करते हैं तो रोमांटिक पोइट्री भी हैं, अगर आप ऐसी पोइट्री पढ़ना पसंद करते हैं जिसमें थोड़ा दुख हो, थोड़ा दर्द हो, तो ऐसी पोइट्री भी हैं, आपको बस पढ़ना है। तो काफ़ी पोइट्री हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आती रहें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना। और आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ नया मिला है, तो फिर पक्का ही शेयर करें। हो सकता है कि आपके दोस्तों को कुछ हेल्प मिल जाए, है ना। कोई बच्चा अगर बीए में है तो उसको हेल्प मिल जाए। अगर वो बेटा सपोज करो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी क्लास में है, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर भी हुई है, तो उसे सॉनेट पढ़ने चाहिए, है ना। क्योंकि आगे वीडियो बेटा आगे जो बच्चा तैयारी करेगा नेट वगैरह किसी की भी, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।